आगामी 1 अगस्त को होने वाली आशीर्वाद यात्रा की तैयारी पूरी कर ली गई है। पूरे जिले को लोजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा पार्टी के बैनर व पोस्टरों से पूरी तरह से पाट दिया है। आशीर्वाद यात्रा की तैयारियों के बारे में जानकारी देते हुए प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान लोजपा नेताओं ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान सुबह सबसे पहले गुरुद्वारा में जाकर पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन कर रोड शो निकाला जाएगा, जिसमें लाखों की संख्या में लोजपा कार्यकर्ता स्वागत के लिए सड़क के दोनों ओर खड़े रहेंगे। लोजपा का यह संवाद यात्रा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जनता से आशीर्वाद लेने के लिए नालंदा के इस पावन धरती पर आ रहे हैं। आशीर्वाद यात्रा के क्रम में यह 9वां जिला है। राजगीर से बिहार शरीफ होते हुए सरमेरा तक आशीर्वाद यात्रा किया जाएगा। हमारे विधानसभा में आदरणीय चिराग पासवान जी का आगमन करीब 3 बजे के आसपास होने जा रहा है। पूरी तैयारी है, उनका स्वागत ढोल बाजे नगाड़े के साथ किया जाएगा। कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनमानस में बहुत उत्साह है, क्योंकि पहली बार बिहार में कोई युवा नेता इस तरह से सड़क मार्ग से पूरे बिहार का भ्रमण करके उनकी समस्याओं को जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए कार्यकर्ताओं से ज़्यादा उत्साह आम जनमानस में है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 50,000 लोग आएंगे, लेकिन हो सकता है आपके कैमरे बताएंगे कि लाखों की भीड़ हो जाए। उम्मीद से ज़्यादा भीड़ आ रही है। स्वागत की पूरी तैयारी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कल पूरे गर्मजोशी के साथ नालंदा जिला में हमारे विधानसभा स्वागत हो। क्या तैयारी रहेगा? देखिए, आज शाम 7 बजे लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद राजगीर परिसदन में पहुंचेंगे और सुबह रात्रि विश्राम के बाद राजगीर के गुरुद्वारा में माथा टेकने के बाद विभिन्न कार्यक्रमों का शुरुआत करेंगे। तैयारी पूरी कर ली गई है। जगह जगह पे लोगों का प्रचार प्रसार के साथ साथ बैनर पोस्टर, इसके अलावा बैंड बाजा और देखा जाए तो लोगों को आने जाने के लिए प्रेरित किया गया है और ऐसा अनुमान है कि इस क्षेत्र के हर एक कस्बे से लोग आएंगे और चिराग जी को आशीर्वाद दे करके लौटेंगे। तन मन से नालंदा जिला के अभिभावक, गार्जियन, बच्चा, भाई बहन, बुजुर्ग, बेजवानों का जवान सभी लोग उनके आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं और ढोल बाजे के साथ आ रहे हैं। और बिहार में नहीं, पूरे घूम घूम के जो ये हमारे चौथा चरण में आ रहा है, 9वां जिला हमारा है, उसमें नालंदा जिला एक इतिहास के नाम से जाना जाएगा। और यहीं से हम एक मैसेज देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार को कि मैंने उन्हें जो 16 साल उन्होंने जो राज किया पिछले दरवाजा से, जिन्होंने सरकार चलाने का काम किया, जिसमें हमारे अभी कटिहार का लोजपा नेता के जो हत्या कराने का उन्होंने काम किए हैं, ये बिहार सरकार का विफलता का कारण है। लॉ एंड ऑर्डर सभी जगह विफल है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए सैकड़ों वाहन के साथ साथ घोड़ा, रथ इत्यादि फूल मालाओं से भव्य स्वागत की तैयारी है, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नालंदा की धरती पर सड़क मार्ग से आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं में खास करके काफ़ी उत्साह और उमंग का माहौल है और अपार जन समर्थन, अपार जन सैलाब उनको आशीर्वाद देने के लिए सड़क पर उतरेगी। और लोक जनशक्ति पार्टी नालंदा में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में एक मजबूत स्थिति में आज के समय में है और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दिन बिहार का नेतृत्व करेंगे।